दीपावली पर्व के अवसर पर एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, डीआईजी राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसआईसी अभयचंद श्रीवास्तव ने जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, जिसके संबंध में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि दीपावली का पर्व अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी के पथ पर चलने के लिए अग्रसरित करता है। उन्होंने कहा कि इस पर्व के माध्यम से ज्ञान के प्रकाश और अज्ञान के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर जिले के आला अधिकारियों ने लोगों को दीपावली की भी बधाई देते हुए सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसआईसी अभयचंद श्रीवास्तव ने कहा। हाँ, सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपकी दीपावली शुभ हो, सुरक्षित रहें, और ये साथ में अपील भी करते हैं कि क्योंकि ये उत्सव ऐसा है जिसमें दिया का प्रयोग है और इसलिए आग का खतरा भी उतना ही रहता है, तो कृपया आग लगने वाली जो भी चीज़ें हैं, पटाखे वगैरह के इस्तेमाल में ध्यान रखें। तो इसमें कई तरह के प्रतिबंध एनजीटी ने और न्यायालय ने लगाया है और कोविड का भी इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करें। स्थानीय पुलिस आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन आग से बचें और इस त्यौहार को, एक सुखमय त्यौहार को उसी तरह से मनाएं। मैं सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी दीपावली शुभ हो, सुरक्षित हो। दीपावली के पर्व पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये पर्व अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी के पथ पर हम सभी को अग्रसरित करेगा और हम इस प्रदेश और इस देश को एक अच्छी जगह और अच्छी जगह बना पाएंगे। ये पर्व के माध्यम से ज्ञान के प्रकाश को, अज्ञान के अंधकार को दूर करने की भी प्रेरणा मिलती है, और ये सब बातें जो हैं हमें ध्यान रखनी है। पुनश्च दीपावली पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व का संदेश खुशहाली और खुशी, आनंद, हर्षोल्लास, इस सब से जुड़ा है। मिठाई से जुड़ा है, रोशनी से जुड़ा है, नए कपड़े, ये सब से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी एक और अंग है उसमें, एक पटाखों का। तो मैं इसके लिए सबको ये कहूँगा कि थोड़ा संयम बरतें और दूसरों की तकलीफ़ को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाएं। जो भी कोर्ट के और अन्य निर्देश है उसको ध्यान में रखते हुए पटाखों को जलाया जाए, पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जलाया जाए, और जो भी कोविड के डायरेक्शन है उसको भी ध्यान में रखते हुए पटाखों को जलाया जाए, और बहुत खुशी से और हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाए। मैं फिर से एक बार अपने तरफ से सबको आपके चैनल के द्वारा बधाई देता हूँ। प्रदूषण भी है, कोरोना काल भी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिला प्रशासन के तौर से मैं सभी गोरखपुर नागरिक को अपील करना चाहता हूँ, त्यौहार मनाइए। ये दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है, अच्छा त्यौहार है, आप दीप जला करके मनाइए। मेरा अपील है, पटाखा का कम करिए, नहीं तो पटाखा छोड़ें, अच्छी बात है, ताकि पटाखा में बहुत प्रदूषण होता है। आप चाहते हैं उसका अंदर जो कितने सल्फर है, फास्फोरस है, कितने मिलाया जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी का बहुत नुकसान करता है। किसी का आस्थमा हो जाता है, किसी का एलर्जी हो जाता है, किसी का सांस फूल जाता है, वो भी इस समय में कोरोना काल में है। वैसे खास तौर पे जो मरीज़ कितने हैं, सबको फेफड़े में इन्फेक्शन होता है, अफेक्शन हो जाता है, और ये इस समय में जो प्रदूषण भी होता है तो उनका असर ज़्यादा पड़ता है, उन परेशानी हो जाता है। मेरा अपील है, यदि कम से कम पटाखा तो छोड़ें, अच्छी बात है, यदि पटाखा की जगह कम से कम यदि इस्तेमाल कर सकते कम से कम इस्तेमाल करें और ग्रीन दिवाली के रूप से मनाएं। वो गरीब लोग को मदद करें, जो हमारा साथी लोग, जो गरीब लोग, जो मिठाई भी नहीं खा पाते हैं और अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन पाते, उन्हीं लोगों का सहयोग करिए। उससे आपको पटाखा जलाने से बहुत गुना अच्छा, ज़्यादा खुशियाँ उस पर मिलेगा। दीपावली पे गोरखपुर जनपद वासियों को
दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा यही कहना है कि दीपावली को सेफ मनाइए और पटाखों का जो इस्तेमाल है संभल के करिए और कम करिए ताकि हमारा वातावरण बचा रहे, और कोरोना के लिए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन जो है उसको अपनाते हुए त्यौहार को मनाइए। बहुत शुभ त्यौहार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पर सभी गोरखपुर के वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली बहुत सुरक्षित तरीके से और बहुत दीपावली बहुत खुशहाली लाए सबको, यही शुभकामना है। धन्यवाद। सभी देशवासियों को और सभी गोरखपुर के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार सुख शांति और समृद्धि का जो प्रतीक है उससे सभी लोग लाभान्वित हों, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपनी हिफाजत के लिए मुंह पर मास्क लगाए रखें जिससे स्वस्थ रहें और त्यौहार का सही आनंद ले सकें और खूब खुशियां उनके जीवन में आए जिसको वो जीवन भर एंजॉय करें। धन्यवाद। सर, पटाखों को लेकर कोई संदिग्ध? पटाखों को लेकर NGT का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस की जा रही है। देखिए, गोरखपुर न्यूज़ की तरफ से मैं सभी गोरखपुर वासियों को धनतेरस की और दिवाली के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सभी को ये संदेश है कि क्योंकि इस बार कोरोना कारण कई चीज़ें चेंज हुई हैं तो इसलिए कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हुए इस पर्व को मनाएँ और पूरा प्रयास करें कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें और इको फ्रेंडली दिवाली मनाएँ, और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पटाखों को लेके यही अपील है कि अभी भी ऑर्डर्स आए हैं माननीय NGT के, तो उसी क्रम में एयर क्वालिटी इंडेक्स के क्रम में सभी जिलों को बांटा गया है, तो गोरखपुर के हिसाब से यहाँ पे जितना जो यहाँ पे जिस श्रेणी में क्षेत्र को बांटा गया है उसी हिसाब से यहाँ पटाखे बजाएं और पूरा प्रयास करें कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। हम दीपावली के दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ आगमन के लिए आभारी हैं और इस दीपावली पर हम उनसे शुभ आशीर्वाद चाहते हैं, और हमारी तरफ से गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, सभी मीडिया कर्मियों को, सभी कर्मचारी अधिकारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। उनका पूरा परिवार दीपावली को मनाए और शांति से मनाए, तथा अंत में ये भी आग्रह करते हैं गोरखपुर जनपद के वासियों से कि पटाखों का प्रयोग न करें, इससे प्रदूषण फैलता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, तथा 2 सेकंड के लिए उस खतरे में दूसरे को न डालें कभी, जिससे खुशी दुख में बदल जाए।